मॉर्निंग एवरीवन, आइए शुरू करते हैं हम लोग। बिजनेस साइकिल याद है आपको? ओके, इसका नोट्स का पीडीएफ भी हम आपको ग्रुप में भेज चुके हैं, तो शुरू करें। क्वेश्चन वन से आते हैं, ठीक है? हाँ, हो रहा है। क्वेश्चन वन से आते हैं, क्वेश्चन नंबर वन पर आइएगा। देखिएगा क्वेश्चन वन में क्या कह रहा है। कहता है द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, बिजनेस साइकिल का क्या मतलब है? फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर टाइम, या अप्स एंड डाउन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट या डिक्लाइनिंग सेविंग। पक्का? वेरी गुड। बिजनेस साइकिल का मतलब है फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब बाबू हर तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन हो गया, सेविंग हो गया, कंजम्पशन हो गया, हर एक चीज पे असर जब दिखता है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेस साइकिल एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करता है, मतलब किसी एक सेक्टर को नहीं पढ़ता है, इंटायर इंडस्ट्री को स्टडी करता है। तो राइट ऑप्शन ए, वेरी गुड। क्वेश्चन टू पर आइए, क्वेश्चन टू को रीड कीजिएगा। कहता है एक्सपेंशन फेज ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सपेंशन फेज के बारे में कह रहा है। एक्सपेंशन फेज में क्या क्या होगा? इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, या इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, या एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज। पहले क्वेश्चन समझिए। एक्सपेंशन फेज ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डी, एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। पक्का? नहीं, यहां पूछ रहे एक्सपेंशन फेज ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट नहीं लगा हुआ है ना, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि भैया एक ऐसा कैरेक्टर बता दीजिए जो सभी चीजों को सेटिस्फाई कर देगा। तो भैया एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री है ना, एक्सपेंशन में क्या हो जाता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड कर जाता है ना, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन थ्री पर आइए। क्वेश्चन थ्री एक बार पढ़िएगा आप लोग खुद से। हाँ, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? कहता दे आर रिकरेंट, दे आर नॉट रेगुलर इंटरवल, दे हैव यूनिफॉर्म कॉजेस, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए सर, सबसे पहले बिजनेस साइकिल रिकरेंट इन नेचर है, बात 100% सत्य है, ट्रू। ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं आता, ये बात भी सही है। क्वेश्चन में कह रहा है इसमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है, तो भैया मेरे ए तो कैरेक्टर है, बी भी कैरेक्टर है। हाँ, यूनिफॉर्म कॉजेज नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहता है कि बिजनेस साइकिल का कोई एक ही वजह है और वो लगातार है, तो वो गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। ओके, बिजनेस साइकिल का कभी भी यूनिफॉर्म कॉजेज नहीं होता। टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। अच्छा, टर्निंग पॉइंट आप समझते हैं? देखिए, टर्निंग पॉइंट शायद आपको याद है कि नहीं, डायग्राम हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको याद आ जाएगा। देखिएगा ये वाला डायग्राम। हाँ सर, जहां से ये मूव करता है इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट कहते हैं सर। हाँ, ठीक है। तो कहता है, क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल आर एक्सपेंशन एंड पीक। बी में कहता है पीक एंड कॉन्ट्रैक्शन। डी में कहता है कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रॉफ। तो टर्निंग पॉइंट क्या है भैया? पीक एंड ट्रॉफ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि भैया पीक पर भी टर्निंग पॉइंट है और डिप्रेशन पे भी टर्निंग पॉइंट है, तो पीक एंड ट्रॉफ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या जी सबका एग्री ना? चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, चलें क्वेश्चन 5 पर। रुकिए, क्वेश्चन हम भी एक बार पढ़ लें। डैश रेफर्स टू टॉप और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का हाईएस्ट पॉइंट क्या है सर? पिक। अच्छा, पिक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बूम फेज, है ना जी। चलिए, वेरी गुड। आपको याद है जब हम क्लास में थ्योरी पढ़ा रहे थे तो एक इस पॉइंट पर हम आपको बहुत खास तौर से इंपॉर्टेंस भी दिए थे कि देखो ये एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। देख लो क्वेश्चन आगे यार। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो इन द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। किस फेज में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है? एक्सपेंशन में कि कॉन्ट्रैक्शन में, ट्रॉफ में कि डिप्रेशन में? पक्का मॉड्यूल अपना लाए हो? वेरी गुड। तो 2 मिनट लगेगा, मॉड्यूल ओपन करो तो और कंफर्म होके बताओ कि किस में, एक्सपेंशन में कि कॉन्ट्रैक्शन में। अच्छा, अब हमको समझ में आया ये कास्टिंग में प्रॉब्लम क्यों ले रहा था, हम लोग कोई लोग नोटिस नहीं देखे। ऑब्वियसली ऑन था, केबल कनेक्ट नहीं है। छोड़ दीजिए, जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं अब फिर टाइम लैप्स होगा, कोई फायदा नहीं। देखिए, हम लोग बार बार कास्टिंग कर रहे थे ना मिररिंग, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा था और ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि क्या छूट गया है इंटरनेट ऑप्शन। क्यों बच्चे इतना लेट आए? हाँ, वेरी गुड। तो सर, हम लोग उस डिस्कशन क्लास में भी पढ़े थे कि एक्सपेंशन के फेज में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो माना जाता है। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इकोनॉमी सेट टू बी ओवरहीटेड, ठीक है, एट द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। किस फेज को कहा जाता है? सोच के बोलिए। एक्सपेंशन को कहेंगे कि पीक फेज को कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन को कहेंगे, जहां इकोनॉमी अपने रिसोर्स का पूरा यूज कर चुकी होती है? हाँ, वेरी गुड। पीक फेज यानी इकोनॉमी ओवरहीटेड किस फेज पे होती है? पीक फेज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस व्हेन बिजनेस साइकिल। मतलब किस फेज में लोगों के कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा हो जाता है बाबू? रहना सहना, फूडिंग, शेल्टर, हर कुछ महंगा होता है। कब? जब इकोनॉमी एक्सपेंडिंग फेज में होती है, कॉन्ट्रैक्शन के फेज में होती है, या अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती है, या पिक पे? पिक पे, वेरी गुड। जब इकोनॉमी अपने पिक पे होती है, उस समय सबसे ज्यादा महंगाई अपने चरम पे होती है सर, अपने टॉप पे होती है सर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9, कम इन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, देयर इज अ लार्ज स्केल ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इन डैश फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। किस बिजनेस साइकिल के फेज में सबसे ज्यादा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है सर? लार्ज स्केल ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं। आप एक बार कंफर्म हो जाइए, अपना मॉड्यूल ओपन कीजिए और देखिए आपको क्या मिलेगा। एक्सपेंशन में तो होगा नहीं सर, है ना, ऑलमोस्ट जीरो माना जाता है। तो सबसे ज्यादा किस फेज में लार्ज स्केल इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है? कॉन्ट्रैक्शन में, है ना, कॉन्ट्रैक्शन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार रीड कीजिए। वेट वेट वेट,
फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फॉल कर गया, प्रोडक्शन फॉल कर गया, फुल एम्प्लॉयमेंट फॉल कर गया, स्टॉक प्राइस फॉल कर गया, ये सिचुएशन किस फेज में पाया जाता है? वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्शन के फेज में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। ऑल बट वन आर द, चलिए इंडिजिनस, स्पेलिंग एरर हो गया है, इंडिजिनस होना चाहिए। चलो हाँ, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मनी सप्लाई, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट या वॉर? हाँ, देखिए सर, गवर्नमेंट पॉलिसी भी इंटरनल है, मनी पॉलिसी भी इंटरनल है। ऑल बट वन आर, हाँ, एक्सेप्ट वन इसमें लिख देता तो क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो जाता। ऑल बट वन आर नॉट, रुकिए क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, नॉट आर इंडिजिनस फैक्टर, तो क्या क्या होगा? वॉर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। डैश इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन विद द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, किस सिचुएशन में सबसे सीवियर स्थिति, एकदम भयावह स्थिति हो जाती है? डिप्रेशन। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी, डिप्रेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट फॉल करने लगता है, ब्याज दर गिरने लगती है, किस सिचुएशन में? रिकवरी में तो नहीं गिरती सर, कहां गिर जाती है? डिप्रेशन फेज में, है ना जी? हम कह सकते हैं ना सर कि डिप्रेशन फेज में, डिप्रेशन फेज का एक टिपिकल कैरेक्टर ही है कि ब्याज रेट क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग एक बार रीड कर लो पहले। दोनों सर, डिप्रेशन फेज में दोनों चीज से हम सफर करते हैं, कैपिटल गुड्स की भी स्कार्सिटी होने लगती है और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की भी स्कार्सिटी होती है, ठीक है? तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ। चलो जी, ग्रेट डिप्रेशन, हाँ, ग्रेट डिप्रेशन का सबसे बड़ा फेस कब से रहा दोस्त? 1929 से 1933। ऐसे तो हम जनरली पढ़ते हैं तो कहा जाता है 1930 इज अ ग्रेट डिप्रेशन, लेकिन दोस्त डिप्रेशन जो है एक ही दो दिन का दुख थोड़े है सर, वो लंबे पीरियड का है। तो 1929 से 1933 के बीच का जो पीरियड है वो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड माना गया है ह्यूमन हिस्ट्री में, इतिहास में, मानव इतिहास में ये सबसे भयावह पीरियड रहा है ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक तंगी। चलिए ओ बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉल्ड, क्या बोलेंगे सर? ट्रॉफ है ना, ट्रॉफ भी बोलते हैं और डिप्रेशन भी बोलते हैं इसको, तो कुछ भी देखना उखना है भी नहीं सवाल पे, बस एग्जाम में भी यही करके आइएगा। हम 17 देख रहे थे और 18 देख रहे थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए। पेसिमिज्म, अपने ना इंग्लिश में ऑप्टिमिस्टिक लोग, पेसिमिस्ट लोग, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पेसिमिस्ट उत्साही लोग जो हार जाते हैं, मेंटली थक जाते हैं। तो कहता है द एंड ऑफ पेसिमिज्म, ठीक है, एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, किस फेज में ये शुरू होगा?
बोलो एंड बिगनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म एक बार मॉड्यूल पे देखिएगा इसीलिए तुम वेट कर रहे बोले तो क्या आप एक बार मॉड्यूल पे देखिए ना पैनिक मत हुई जल्दी मॉड्यूल में मिल गया क्या मिला रिकवरी रिकवरी में क्या होता है पेसिमिज्म एंड होता है और ऑप्टिमिज्म हाँ यानी कि डिप्रेशन के ऊपर का फेज ट्रॉफ है ना चलिए आइए ओहो हो गया हो गया चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए क्या कह रहा है द ट्रॉफ ऑफ सॉरी ट्रॉफ ऑफ बिजनेस साइकिल ऑकर्स व्हेन डैश हिट इट्स लोएस्ट पॉइंट ट्रॉफ है क्या कह रहा है ट्रॉफ ऑफ बिजनेस साइकिल ऑकर्स व्हेन डैश हिट इट्स लोएस्ट पॉइंट वेरी गुड एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करता है जब अपने लोएस्ट पॉइंट पे हिट करता है तो ट्रॉफ ऑफ बिजनेस साइकिल क्रिएट हो जाता है चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कौन सी इंडस्ट्री एडवर्सली अफेक्ट होती है भैया सर दोनों कैपिटल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर चलिए याद है आपको हम लोग एक लैगिंग इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर्स पढ़े थे ना कंकरेंट इंडिकेटर्स चलिए तो लीडिंग इंडिकेटर्स में क्या पढ़े थे सिचुएशन को जब हम पहले ही समझ लेते हैं है ना चलिए डैश इंडिकेटर चेंज बिफोर इकोनॉमिक हाँ तो कौन सा इंडिकेटर हो जाएगा भैया पक्का लीडिंग इंडिकेटर्स ट्वेंटी टू पे आइए डैश इंडिकेटर चेंजेस आफ्टर इकोनॉमी एज अ होल चेंजेस तो क्या हो जाएगा लैगिंग पक्का चलिए लैगिंग इंडिकेटर्स Change in stock price, profit margin, manufacturing activities are the example of ये किस तरह के indicators हैं जो आपको confirm कर दिया शुरू से ही आपको पता चल गया अरे भाई देखो कुछ तो हो रहा है economy में leading indicators है ना option A confirm ना चलो ठीक चले आगे आइए हाँ अ वेरिएबल डेट मूव्स लेटर ठीक है हाँ लैगिंग इंडिकेटर्स याद है आपको किसको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर हाँ जैसे हम बोलते हैं ना अरे देखो हम बोले थे ना ऐसा होगा या हो रहा है देखो तो लैगिंग इंडिकेटर्स कन्फर्म यानी एक फॉरकास्ट करता है दूसरा क्या करता है कन्फर्म करता है लीडिंग एंड चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए हाँ
मान लो ये सबकत है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हम इमेजिन कर लो सबकत है और हम लोग रोज बाहर में रोड पर देखते हैं कि भाई रोड की उस तरफ से वो चली जा रही है, सबकत इधर से चला जा रहा, दोनों एक दूसरे को देख रहा, हम लोगों को नजर पड़ा, हम लोग बोले देखो जरूर कुछ चक्कर है सबकत का। एक दिन पता चला हम लोग KFC में देख लिए साथ खाते हुए, तो भैया जब हम लोग देखे तो लीडिंग इंडिकेटर कि देखो पूरा दोनों रोड पे चलता और एक दूसरे को देखते रहता है, लीडिंग इंडिकेटर। और जब KFC में साथ में पार्टी करते हुए देख लिए तब तो कंफर्म हो गए लैगिंग इंडिकेटर्स। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए 26 नंबर पे आ जाएं। चलो 26 नंबर पे, द वेरिएबल डेट ऑकर्स साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट इज डैश इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट इंडिकेटर। पक्का? हाँ सर। आगे चला जाए तो ये सब क्वेश्चंस एकदम पूछता है दोस्त। आइए 28 नंबर पे आते हैं। अब 27 नंबर का ऑब्जेक्टिव इधर उधर खोजना पड़ता इसीलिए उसको स्किप कर दिया, छोड़िए ना, कौन खोजेगा। आइए 28 नंबर। एट द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s द ग्लोबल GDP फेल अराउंड बाय अप्रोक्स में, दोस्त ग्लोबल GDP कितना परसेंट फॉल कर गया था उस समय? हाँ नहीं दोस्त, अप्रोक्स में शायद 15% माना जाता है कि अप्रोक्स में अराउंड 15%। देखिए ना मॉड्यूल में भी आपके इंस्टीट्यूट भी 15% होना चाहिए। चलिए तो मॉड्यूल में मिल गया कंफर्म, कितना परसेंट? 15%। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए। देख क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बिजनेस साइकिल। कौन सा सिचुएशन है जो बिजनेस साइकिल के बारे में यहां करेक्ट नहीं है? चलिए दोस्त खुद से पढ़िए एक बार रिलैक्स होके। क्योंकि सब कुछ सही है सर। दे ऑकर साइमल्टेनियसली इन ऑल इंडस्ट्री। सर सभी इंडस्ट्री में एक साथ बिजनेस साइकिल आते हैं। दे अफेक्ट नॉट ओनली आउटपुट बट लोगों के इनकम और वेरिएबल सबको प्रभावित करते हैं। सर जो बिजनेस साइकिल है वो इंटरनेशनल कैरेक्टर है, हर देश पे अप्लाई होता है। सिंपल। तो इसमें से कोई भी पूछ रहा है कि कौन करेक्ट नहीं है तो सब करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? डी, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, ये सब साइकोलॉजिकली घुमाया जाता है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है लेकिन वो नॉट लगा दिया, इसमें से कौन सा सही नहीं है तो भैया सब सही है ना। तो थोड़ा एक नेगेटिव वे में हॉचपॉच करता है दिमाग को। हाँ वो एक मिनट के लिए अगर हम थोड़ा सा समझने में अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ करेंगे तो मिस्टेक होगा। चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 पर आओ। ट्रेड साइकिल का सबसे बेस्ट कैरेक्टर यहां क्या है? एक क्यों नहीं हो सकता है सर? इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। इवन सो आपके मॉड्यूल में ये क्वेश्चन भी है। हाँ हम लोग डिस्कस भी किए थे कल। चलिए ड्यूरिंग अपस्विंग, ये क्वेश्चन भी हम आपके साथ डिस्कशन किए हैं। ड्यूरिंग अपस्विंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड आउटपुट राइज फॉल, राइज या फॉल राइज, क्या होगा? है ना, अपस्विंग के समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। और आउटपुट क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। अपस्विंग आपको याद है ना? क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following does not occur during expansion phase?
इसमें से कौन सा एक्सपेंशन फेज में ऑकर नहीं होता? ऑप्शन ए, कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीजेस। अरे भाई, एक्सपेंशन में तो कंज्यूमर अपने खर्चे को बढ़ा देते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जाता है, ये बात भी सही है, बिजनेस प्रॉफिट और बिजनेस कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाता है, तो नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों चीज तो होता ही है एक्सपेंशन में, होता है ना। अरे कंज्यूमर का स्पेंडिंग बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जाता है, बिजनेस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? नॉन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 रीड कीजिए एक बार सभी लोग। क्या कह रहा है? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइनिंग, इकोनॉमी सेट टू बी इन, तो इकोनॉमी किसमें है भैया? कॉन्ट्रैक्शन में। हाँ बिल्कुल सही, इकोनॉमी किसमें है? कॉन्ट्रैक्शन के फेज में है। चले आगे, आइए चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर? वाह यार, याद है तुम लोग को, ये मॉड्यूल में भी क्वेश्चन था ना, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट और जीडीपी, इन्फ्लेशन, रिटेल सेल्स, ये सब कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स हैं। आगे चला जाए, क्वेश्चन कौन सा रह गया? 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैगिंग इंडिकेटर? लैगिंग इंडिकेटर का एग्जाम्पल इसमें से कौन है? आओ भाई ऑप्शन पे आते हैं, पर्सनल इनकम, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या स्लोअर डिलीवरीज, डिलीवरी स्लो हो गई है, तो क्या होना चाहिए? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि बाकी सब क्या है? लैगिंग इंडिकेटर्स है। लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36 नंबर, हम आपको क्लास में भी बोले थे जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, बोले थे ना कि देखो ये सबसे क्वेश्चन बनेगा। आ जाओ, किसने बताया, किनका व्यूज है? क्वेश्चन देखना, डैश इज ऑफ व्यू दैट फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट अफेक्ट डिमांड। किनका व्यू है सर? सम पीटर का कि केन्स का? सम पीटर इनोवेटिव थ्योरी के बारे में बता रहे हैं यार, जेम केन्स, कुछ भी यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स। सर हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है एम्प्लॉयमेंट का हाई होना, एग्रीगेट डिमांड का हाई होना, आउटपुट का इंक्रीज होना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलो क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। हाँ, इफ एनी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट ड्यूरिंग एक्सपेंशन फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, इट इज डैश अनएम्प्लॉयमेंट। ये कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है? चल दे सोच के बताओ। हाँ सवाल समझिएगा, रिलैक्स होकर। कहता है इफ एनी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट ड्यूरिंग एक्सपेंशन। आपको याद है हम आपको बताए थे टेक्नोलॉजी में बदलाव आने के कारण जब बेरोजगारी आती है उसको हम लोग फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल भी कहते हैं। हम आपको हाईलाइट भी किए थे स्क्रीन पे कि देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। बोलिए याद आ रहा है? तो भैया एक्सपेंशन फेज में जो बेरोजगारी एग्जिस्ट करती है वो क्या होती है? फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल।
लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 पर आइए। तो मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज, मतलब एग्रीगेट डिमांड किस तरह के फेज में आता है, वो भी इंक्रीज के केस में। सर ऑब्वियसली जब इकोनॉमी में एक्सपेंशन होता है उस समय इंक्रीज होता है ना। आइए एक बार एक्सपेंशन को गो थ्रू करें क्या। चलिए जल्दी से एक बार एक्सपेंशन को रीड करते हैं। देखिए नोट्स, एक्सपेंशन फेज में क्या बोलता है, देखिए कहता है एक्सपेंशन फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, जहां नेशनल आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जाता है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर जाता है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाता है ना, स्टॉक प्राइस, बैंक क्रेडिट इंक्रीज कर जाता है। पॉइंट वन पे मिलेगा। सेकंड पॉइंट देखिए, दिस स्टेट कंटिन्यू टिल देयर इज फुल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, मतलब जब तक रिसोर्स का फुल्ली यूज ना हो जाए तब तक ये कंटिन्यू रहता है ये सिचुएशन, है ना। नेक्स्ट देखिए, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट क्या माना जाता है, जीरो। और अगर इसमें किसी तरह का अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता भी है तो वो क्या है, फ्रिक्शनल है ना, और स्ट्रक्चरल है। थर्ड पॉइंट पे मिला। चलिए प्राइस एंड कॉस्ट ऑल्सो टेंड्स टू फास्टर, है ना, नेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होते हैं और प्राइस गुड्स का क्या होते रहता है भैया, इंक्रीज करता है। और पांचवें पॉइंट पर देखिएगा, इस तरह के सिचुएशन में और क्या होता है, डिमांड फॉर ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और सातवें पॉइंट पे देखिए, द ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लोस डाउन एंड रीचेस एट इट्स पीक, एक्सपेंशन में धीरे धीरे ग्रोथ रुकेगा एक समय के बाद और वो अपने टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा, जिसको हम लोग बूम फेज कहते हैं, पीक फेज कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आइए वापस ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए दोस्त, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको थ्योरी पढ़ाते समय भी ये बात बोले थे क्लास में। जल्दी बताओ, अकॉर्डिंग टू डैश अ ट्रेड साइकिल इज प्योरली द मॉनेटरी फेनोमेना। सब किन से बोलेंगे, है ना, निकोलस कैल्डोर। हाँ तो चार है ही, चार गिना दो। चलो जल्दी से मॉड्यूल पे एक बार कंफर्म करो, तुम लोग कुछ याद ही नहीं रखते हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। कंफर्म हो गए? तो बताओ ऐसे क्यों याद रखते हो, अब बताओ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, है ना। ट्रेड साइकिल इज प्योरली अ मॉनेटरी फेनोमेना। हाँ ये तो पलट देता है, तो ये पलटू राम हो गया है। ही इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय नीतीश चाचा। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ओहो क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक मूड ऑफ बिजनेस कम्युनिटी ऑल्सो अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द व्यू ऑफ, याद है आपको। वेरी गुड, इसी पाई गो, मैंने उस समय आपको बताया भी था कि ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्ट मूड जो है वो डिपेंड करता है बिजनेस के इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। ऑब्वियसली यार, अच्छा माहौल होगा तो धंधा भी तो अच्छा चलेगा ना, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्त, नहीं ध्यान रखोगे उलट पुलट टिक करके आओगे। अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल ऑकर्स ड्यू टू
ऑनसेट ऑफ इनोवेशन, याद करो इनोवेशन थ्योरी किसने दिया? वेरी गुड, सम पीटर ने. ये इवन सो प्रोडक्शन थ्योरी में भी डिस्कशन हुआ था. चलिए क्वेश्चन नंबर 43 इंपॉर्टेंट है. बिजनेस साइकिल अपीयर्स ड्यू टू प्रेजेंट फ्लक्चुएशन इन प्राइस अफेक्टिंग द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर. क्या बोल रहा है कि बिजनेस साइकिल अपीयर ड्यू टू प्रेजेंट फ्लक्चुएशन के कारण जो अफेक्ट कर रहा है आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट को, और ये फ्यूचर को भी इफेक्ट करेगा. ये किसने दिया है? आप एक बार मॉड्यूल पे कंफर्म कीजिए, फिर हम आपको कंफर्म करेंगे. ये कोवेव थ्योरीज है, एक बार आप मॉड्यूल पे देखिए तो फिर से, नहीं याद है तो देखिए, अगर याद नहीं है तो पढ़िए एक बार. चलिए अब बताइए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए. ऑप्शन ए है ना, कोवेव थ्योरी में ये सब बताया गया है. मिला आपको मॉड्यूल पर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 किस नंबर पेज पे मिला? 5.12. इसीलिए आप लोग घर पे नहीं पढ़ते हैं ना, आप लोग को लगता है कि बस क्लास में आएंगे सिलेबस कंप्लीट होगा. वैसे नहीं पास होइएगा सर, जो भी पढ़िए उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए तब इंसान. अभी इतना इको आपका हो चुका है लेकिन अभी तक आप कुछ भी कंफर्म करके नहीं बैठे हुए. अभी किसी भी चैप्टर से अच्छा अच्छा क्वेश्चन उठा लिया जाए तो नहीं. अभी देखिए धुन में आप लोग किस पे, जेम केन्स. अभी भी एग्जाम के लिए समय है, अभी भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा, हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आइएगा. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉल्स ड्यूरिंग वॉर टाइम. किस तरह के गुड्स का प्रोडक्शन फॉल कर जाता है? हाँ, कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स. वॉर के समय सिर्फ क्या बनता है? आर्म्स एंड एम्यूनेशंस बनते हैं. 45 भी आसान है दोस्त, 45 भी आसान है. बताइए वॉर पीरियड में कौन से गुड्स की सबसे ज्यादा डिलीवरी और प्रोडक्शन होगी? वेपन्स एंड आर्म्स. हाँ 46 अच्छा क्वेश्चन है. रिसेशन सभी में पाया जाता है एक को छोड़कर. देखिए रिसेशन में इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होता है और एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन होता है, 100% सत्य है. इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, बात भी सही है ना. इन्वेस्टर बेचारा डर जाता है पैसा लगाने के लिए. डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज डिक्लाइन होता है, ये बात भी सत्य है. हाँ ये कहना गलत है कि प्राइस इंक्रीज होगा इनपुट का और डिमांड इंक्रीज होगा, ये गलत है. रिसेशन में कुछ भी नहीं बढ़ता दोस्त. तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी. बी इज द राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 47. प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन. पक्का कन्फर्म हो आप? बोलो कन्फर्म हो? डी, ऑल ऑफ द अबव. हाँ बात सही है सर. न्यू और बेटर गुड सर्विसेज एक्सपेंशन, इनकम भी इंक्रीज करता है, प्रॉफिट भी इंक्रीज करता है, इकोनॉमी बूस्ट कर जाती है, बात सही है एकदम. चलो जी आ जाओ. अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस मैनेजर्स बिकॉज. चलो ये क्वेश्चन को तुम लोग बनाओ. पक्का ऑल ऑफ द अबव होगा? क्यों दोस्त?
क्योंकि सर बिजनेस साइकिल हर एक चीज को प्रभावित कर रहा है, तो मैनेजर को इन हर चीज को स्टडी करना जरूरी है. तो राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. अब ये दोनों क्वेश्चन तो इजी है, हमको नहीं लगता है तुमको कोई प्रॉब्लम भी होगा. हाँ, साइक्लिक बिजनेस बोथ ए एंड बी होगा कि साइक्लिक बिजनेस होगा. बिजनेस हुज फॉर्च्यून्स मतलब फ्यूचर आर क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल. हाँ, साइक्लिकल बिजनेस. इनकम कम हो जाएगा, सेविंग कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा. ये पॉइंट हम लोग पढ़े भी हैं स्टडी नोट में उस दिन. चलो, तो ऑब्जेक्टिव इतना ही रखते हैं आज हम लोग, ठीक है. अब जो टॉपिक बच गया उसको कंटिन्यू करते हैं.